दोस्तों व्हाट्सएप दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूं। अच्छा, ये वीडियो किन के लिए यूजफुल होगा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये सर्च कर रहे थे कि भाई नोटिंग क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों नोटिंग और प्रोटेस्ट, अच्छा पहली बात सेक्शन जान लेते हैं यार, कौन से सेक्शन देखते हैं। सेक्शन 99, सेक्शन 100, सेक्शन 101 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर के आपके लिए नोटिंग और प्रोटेस्ट लेके आएंगे। पर नोटिंग और प्रोटेस्ट समझने के लिए पहले कुछ और चीजें समझना जरूरी है। अब बताओ नोटिंग और प्रोटेस्ट होता कब है? आप बोल रहे हैं नोटिंग, आप बोलते हैं प्रोटेस्ट, ये होता कब है? तो मैं क्या ना प्रैक्टिकल एग्जांपल बना देता हूं। मैं मानता हूं कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें एटलीस्ट ये पता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। तो क्योंकि ये 5 मिनट का वीडियो है, मैं बिल ऑफ एक्सचेंज पर डिस्कस नहीं करूंगा। लेट्स से मैं दो लोगों का एकदम फनी सा एग्जाम्पल बना देता हूं जहां से अपन स्टार्ट कर पाएंगे। भाई एक तरफ खड़े हैं गाय तोंडे, ठीक है, ये अपने अच्छे मित्र है गाय तोंडे जी। अच्छा गाय तोंडे जी एक दुकान पे गए जिसके ओनर का नाम है गुरु जी, ठीक है भाई। गाय तोंडे गए गुरु जी के पास और गुरु जी को बोला गुरु जी आपकी दुकान से मुझे 5 टीवी चाहिए, एकदम ठीक है। तो भाई गाय तोंडे जी गुरु जी के यहाँ गए और 5 टीवी के ऑर्डर प्लेस किए, पर गाय तोंडे के पास उस टाइम पैसे नहीं थे। तो गुरु जी को उन्होंने कहा कि हम बलिदान देंगे, पर बलिदान कैसे देंगे, आपको अभी साइन करके वादा करेंगे कि फ्यूचर में आपका पेमेंट करेंगे, ठीक है भाई। गुरुजी तो अपन थे ही बेस्ट एकदम, गुरुजी ने कहा ठीक है अगर आप इतने तैयार हैं तो ठीक है मैं एक बिल बना देता हूँ। अच्छा गुरुजी बिल बना रहे हैं तो गुरुजी कौन हो गए, द मेकर ऑफ द बिल। पर क्योंकि आप बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मेकर की जगह बुलाओ ड्रॉर, प्रोमिसरी नोट में अपन मेकर बोलते हैं। तो गुरुजी ने बिल बनाया, गुरुजी बन गए ड्रॉर, गाय तोंडे जी ने बिल एक्सेप्ट किया, ठीक है एक्सेप्ट किया तो गाय तोंडे जी बन गए ड्रॉई। मैं इसे मार्क करके रख रहा हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ड्रॉर और ड्रॉई। बेटा अब फ्यूचर में गाय तोंडे जी पैसे देने वाले हैं गुरुजी को, तो गुरुजी ड्रॉर तो हैं पर इन्हें पैसे भी मिलेंगे, इसीलिए जिसको पैसे मिलते हैं आप उनको पे ही बुलाते हो, ठीक है। तो गुरुजी ड्रॉर भी हैं और पे ही भी हैं, और गाय तोंडे जी क्या है, सिर्फ मासूम से ड्रॉई। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिएगा भाई, 3 महीने का टाइम दिया था गुरुजी ने कि 3 महीने के अंदर आप बलिदान कर देना, मतलब आप पेमेंट कर देना, पर 3 महीने में पेमेंट आने का नाम ही नहीं हुआ। अब बात समझो दोस्तों, अगर गुरुजी डायरेक्टली ऐसे ही कोर्ट चले जाएं, ऐसे ही कोर्ट चले जाएं और कोर्ट में मान लो गाय तोंडे आके बोल दे कि भाई आपने मुझसे पूछना तो चाहिए था, आपने मुझे नोटिस दिया कि डिसऑनर हुआ है। अब ये आता है सवाल कि क्या एक नोटिस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यार आपने नोटिस दिया इसकी क्या गारंटी है, आपने गाय तोंडे जी को नोटिस दिया इसकी क्या गारंटी है। अब एक बार इस चीज को यहीं रख देते हैं, अपन थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं राइट साइड। यार अगर मान लीजिए कि स्कूल में 2 बच्चों की लड़ाई हो जाए तो क्या डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास चले जाते हो क्या, पहले एक बार आप टीचर के पास जाओगे और अगर झगड़ा बढ़ जाए तो प्रिंसिपल तक जाओगे। तो मान लो कि कोर्ट प्रिंसिपल है तो क्या गुरुजी डायरेक्ट कोर्ट चले जाएंगे, नहीं। सेक्शन 99 कहता है कि गुरुजी सुनो ना, आप पहले कोर्ट मत जाओ, आप पहले कोर्ट के अंदर आ जाओ, और कोर्ट के बाहर की तरफ ही नोटरी वाले बैठे होते हैं, नोटरी ऑफिशियल्स बैठे होते हैं, वहां पे जाओ और वहां पे नोटिंग के लिए अप्लाई करो। अच्छा तो नोटिंग क्या होता है भाई, नोटिंग का मतलब बड़ा आसान है, आप एकदम कोर्ट के ऑफिशियल पेपर पे एफिडेविट पे लिखा के देना चाह रहे हो क्या कि भाई गुरुजी ने आके नोटरी वालों को बोला कि भाई मैंने तो पेमेंट किया था, आप क्या करो, आप मेरी तरफ से गाय तोंडे को नोटिस भेज दो, अगर गाय तोंडे पैसे दे मुझे पैसे दिला दो, झगड़ा खत्म, नहीं देता तो फिर अपन आगे चलते हैं। तो अब ये नोटरी ऑफिशियल क्या करता है, गुरुजी के बिहाफ पे एक नोटिस बनाता है और ये नोटिस बना के किसको भेज देता है, गाय तोंडे भैया को भेज देता है। भाई गाय तोंडे भैया ने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया क्योंकि गाय तोंडे भैया थे चांद पर। चलिए भाई, तो गाय तोंडे भैया ने जवाब नहीं दिया, ऐसे केस के अंदर नोटरी वाले का क्या काम बन जाता है, नोटरी वाले का काम बड़ा आसान है। नोटरी वाले ने बोला कि भाई गुरुजी आपकी तरफ से नोटिस गाय तोंडे को जा चुका है पर कोई जवाब नहीं आया, तो अब मैं इस फैक्ट को आपके इस डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिख देता हूं, आपके इस डिसऑनर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिख देता हूं कि आपकी तरफ से प्रॉपर नोटिस जा चुका था, आपने अपनी हर तरफ की कोशिश कर ली पर फिर भी ये बंदा पैसे देने को तैयार नहीं है। तो नोटिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन द फैक्ट ऑफ डिसऑनर इज रिटन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज इट बिकम्स नोटिंग। पर अब देखो भाई, मेरे को चाहिए बेटर सिक्योरिटी क्योंकि भाई को चाहिए इज्जत,
भाई ने क्या बोला, सेक्शन 99 में चैन नहीं पड़ रहा मेरे को। गुरुजी बोलते नहीं, मेरे को और बेटर सिक्योरिटी दे जिसको मैं कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज कर पाऊं कि भाई मैंने पूरी कोशिश की पर गायतोंडे ने जवाब नहीं दिया। तो ऐसे केस में सेक्शन 100 बीच में आता है, ऐसे केस में सेक्शन 100 बीच में आता है और बोलता है ओ भाव मैं हूं ना। सेक्शन 100 बोलता है कि एक काम करना, तू प्रोटेस्ट ले ले। अब प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, सेक्शन 99 के अंदर तो इसने बोला कि नोटिंग कराओ। प्रोटेस्ट का मतलब कुछ अलग नहीं है, प्रोटेस्ट सिर्फ आपके लिए इतना सा काम करता है कि ये आपको एक सर्टिफिकेट क्रिएट करके देता है। अभी सर्टिफिकेट का मतलब मत पूछना, इसके लिए अलग वीडियो नहीं बनाने वाला मैं। एक सर्टिफिकेट बना के देता है जिस सर्टिफिकेट में ये फैक्ट ऑफ डिसऑनर लिख के दिया जाएगा आपको। ये आपके लिए एक एविडेंस का काम करता है, ये आपके लिए एक एविडेंस का काम करेगा। डायरेक्टली इस एविडेंस को कोर्ट में लेके जाओ और जब तक कोई बेटर एविडेंस इसको क्रॉस करने के लिए नहीं आता, कोर्ट इसको बेस्ट एविडेंस ट्रीट करने वाली है। इसीलिए याद रखना कि प्रोटेस्ट में जो बनाया हुआ सर्टिफिकेट होता है इसको अपन प्राइमा फेसी एविडेंस बोलते हैं। अच्छा, अगर किसी को प्राइमा फेसी एविडेंस का मतलब नहीं पता दोस्तों, तो प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर भी मैंने अलग वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च कर सकते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस। मेरा नाम तो आपने सुना ही होगा, आप ऐड करिए प्राइमा फेसी एविडेंस, सर्च करके देखिएगा। कमिंग बैक, सो नोटिंग शुरुआत थी झगड़े की, प्रोटेस्ट पक्का झगड़े की पूरी तैयारी करके आपने एकदम सर्टिफिकेट रेडी करवा लिया है ताकि आपके झगड़े में दम आ जाए और कोर्ट इस चीज को एडमिट कर ले। क्या यहां तक सबको समझ में आया? तो ये है आपका सेक्शन 99 और सेक्शन 100 और 101 जो नोटिंग और प्रोटेस्ट के बारे में बात करता है। तो जब कभी भी आपका अगर एक बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है ऐसे केस के अंदर, आप पहले नोटिंग करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर जस्ट इन केस आपको आपके CS रिलेटेड लाइफ में या फिर CA रिलेटेड लाइफ में कोई भी एरर या प्रॉब्लम लगते हैं अदर सब्जेक्ट्स में भी, तो हमारा एक और चैनल है जो यस अकेडमी के से, आप लोग आगे पोडियम के ऊपर नाम देख ही पा रहे होंगे, वहां पे जाइए, यस एकेडमी को भी सब्सक्राइब करिए। वहां पे मेरे जैसे और मेरे जैसे बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज और हैं जो आप लोग को हेल्प करेंगे आपकी इस एंटायर जर्नी में। टू मेंशन, कोई भी तरीके का सब्जेक्ट, चाहे फाउंडेशन हो, एग्जीक्यूटिव हो, प्रोफेशनल हो, सबकी क्वेरीज और सबके लिए बहुत सारे वीडियोस हम लोग वहां पे बना के अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द लव, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।